हमारे देश में आखिर पक्षियों की स्थिति कैसी है, कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो अच्छी तरह से आबाद हो रही हैं, और कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि विलुप्ति की कगार की तरफ बढ़ रही हैं, किन की स्थिति अच्छी है, किन की स्थिति दयनीय और शोचनीय हो चुकी है। इन्हीं सारे मुद्दों पर एक रिपोर्ट जारी हुई है, स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड 2020। इस वीडियो में हम लोग इसी रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस रिपोर्ट में किस तरह की बातें रखी गई हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये रिपोर्ट आखिर चर्चा में क्यों है। गुजरात के गांधीनगर में हो रहे संयुक्त राष्ट्र के वन्य प्राणियों एवं प्रवासी प्रजाति के पक्षियों के संरक्षण से सदस्यों के 13वें सम्मेलन में स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड 2020 को जारी किया गया। इसकी बात करें तो अपनी तरह का ये पहला विश्लेषण है जिसे पूरे भारत से 10 अनुसंधान और अनेकों संरक्षण संगठनों द्वारा तैयार किया गया है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में आम भारतीय पक्षियों के वितरण और रुझानों का आकलन करने के लिए कॉर्नेल विश्वविद्यालय की लेबोरेटरी ऑफ ऑर्थिनोलॉजी द्वारा होस्टेड ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म ई बर्ड और साथ ही सिटीजन साइंस डेटा पर 15,000 बर्ड वॉचर्स द्वारा अपलोड किए गए 10 मिलियन से भी अधिक टिप्पणियों के विशाल डेटाबेस का उपयोग किया गया था। रिलेटेड थोड़ी और जानकारी की बात करें तो गौरतलब होगा कि एप्लीकेशन का इंडिया स्पेसिफिक पोर्टल बर्ड काउंट इंडिया द्वारा क्यूरेट और कस्टमाइज किया गया था, जो भारतीय पक्षियों के दस्तावेजीकरण के लिए समर्पित बर्ड वॉचिंग एंथुजियास्ट्स, पक्षी विज्ञानी, प्रकृतिवादी और संरक्षणवादियों का एक अनौपचारिक समूह है। यहाँ तक तो बात हुई इस रिपोर्ट के बारे में, ये आखिर कैसे तैयार हुआ, इसे कैसे तैयार किया गया, किस किस चीज का हेल्प लिया गया और यह है किस चीज के बारे में। अब देखते हैं कि इस रिपोर्ट में आखिर मेन कंक्लूजंस क्या क्या निकाले गए। इसमें जो पहली बात सामने आई, 867 प्रजातियों में से 50% से भी ज्यादा ऐसी प्रजातियां हैं जो लॉन्ग टर्म में उनकी जनसंख्या में गिरावट का प्रदर्शन करते हैं, जबकि 146 शॉर्ट टर्म में बहुत ही बड़े खतरे में हैं। चील, बाज, गरुड़, इस तरह के पक्षी, साथ ही प्रवासी समुद्री पक्षी और वो पक्षी जो विशेष आवासों में रहते हैं, इनकी आबादी पिछले दशकों में सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। अगर पश्चिमी घाटों में पक्षियों की संख्या, जो कि दुनिया की सबसे अग्रणी जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक माना जाता है, इनमें भी 2000 के बाद से लगभग 75% की गिरावट आई है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्र पक्षी मोर, जो कि देश भर में प्रचुरता और वितरण दोनों में नाटकीय वृद्धि को दर्शा रहा है। गौरैया की संख्या की बात करें तो देश भर में इसकी संख्या स्थिर हो गई है, लेकिन अगर शहरों की तरफ मुड़े तो उनकी आबादी में अभी भी गिरावट देखी जा रही है। मुख्य रूप से मानव निवास में जीवित रहने की उनकी क्षमता के कारण मोर या हाउस स्पैरो, एशियन कोयल, रोज रिंग पैराग्रेट और आम टेलर बर्ड सहित 126 प्रजातियां ऐसी हैं जिनकी संख्या में और वृद्धि की संभावना है, क्योंकि ये आम लोगों के आसपास बने निवास में जिंदा रहने की क्षमता रखती हैं। इस निष्कर्ष से आखिर क्या बातें हैं जो कि हमारे लिए चिंता का विषय हो सकती हैं? यह आकलन स्पष्ट करता है कि हमारे पक्षी समग्र रूप से गिरावट में है और कुछ मामलों में ये विनाशकारी है। मानव गतिविधियों की वजह से, कीटनाशकों सहित विषाक्त पदार्थों की व्यापक उपस्थिति की वजह से और व्यापार या पालतूकरण के लिए शिकार की वजह से कई शानदार पक्षी, जिनमें से कई तो उपमहाद्वीप के लिए स्थानिक हैं, वे निवास स्थान के नुकसान से बढ़ते खतरे का सामना कर रहे हैं। और अगर इस गिरावट की प्रवृत्ति की तरफ नजर डालें तो व्हाइट रम्प्ड वल्चर, रिचर्ड पिपेट, इंडियन वल्चर, लार्ज बिल लीफ वॉल्टलर, पैसिफिक प्लोवर और कर्ल सैंड पाइपर, इसके सहित ही रैप्टर, प्रवासी शोरबर्ड्स इत्यादि उन पक्षियों में से एक हैं जिन पक्षियों के समूह में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ पक्षियों की प्रजाति ऐसी भी है जिनकी संख्या बढ़ रही है, जैसे रोजी स्टारलिंग, फेरल पिजन, ग्लॉसी एबिस, प्लेन प्रिनिया और एश प्रिनिया की प्रजातियों में जो संख्या है उनकी वृद्धि देखी गई है। इस पूरे स्टडी में पक्षियों को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। अध्ययन में 101 प्रजाति को हाई कंसर्न, 319 को मॉडरेट कंसर्न और 442 को लो कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि 101 प्रजातियां ऐसी हैं जिन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
319 को आप मीडियम लेवल में रख सकते हैं, यानी उस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान न दे करके थोड़ा बहुत भी ध्यान देंगे तो इनकी प्रजातियाँ बहुत अच्छी कंडीशन में पहुँच जाएंगी। वहीं 442 प्रजातियाँ ऐसी हैं जिन्हें कि लो कंसर्न के रूप में देखा गया है, उस कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि इन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सर्वाइव कर जाएंगी। इस रिपोर्ट में आखिर कौन सी मुख्य सिफारिशें की गई पक्षियों की कंडीशन को और बेहतर बनाने के लिए? इसमें जो मेजर बातें आई वो ये है कि संरक्षण मूल्यांकन का उपयोग करके वैश्विक और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में सुधार होनी चाहिए, यानी कि हम ग्लोबली और नेशनल लेवल पर हमारी प्रायोरिटीज में अमेंडमेंट लाएं। सर्वाधिक चिंताजनक प्रजातियों और जहाँ प्रजातियों में गिरावट आई है उन आवासों के संरक्षण के प्रयास को आर्थिक सहयोग दिया जाना चाहिए। उधर अगर कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर उधर काम कर रही है तो उन्हें आर्थिक सहयोग दिया जाना चाहिए ताकि इन प्रजातियों की स्थिति और बेहतर हो सके। बड़े पैमाने पर शोधकर्ताओं और जनता के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना भी ज़रूरी होगा, क्योंकि शोधकर्ता कितना ही अच्छा रिसर्च करके निकाल लें, अगर आम जनता तक उस फैक्ट के प्रति जागरूकता नहीं पहुँचेगी तो इसका फ़ायदा हमें नहीं मिल पाएगा। वहीं पक्षियों के संरक्षण के लिए ज़रूरी कदम तुरंत उठाने की ज़रूरत है और पक्षियों की संख्या में गिरावट के कारणों की पहचान करने के साथ ही इस गिरावट को रोकने के लिए कई जरूरी नीतिगत उपायों को तुरंत अपनाने की भी जरूरत है। हमने जो भी रिपोर्ट को देखा है उस रिपोर्ट में हमें जिस भी कैटेगरी में पता चल रहा है कि इस कैटेगरी के इस प्रजाति के पक्षी जो हैं उनकी संख्या घट रही है तो हमें उसके लिए पॉलिसीज में भी चेंज लाना चाहिए। हमें वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंज लाने चाहिए और भी ज़्यादा सख्ती से उन इलाकों में हमें उन तत्वों से निपटना चाहिए जो इनकी आबादी के घटने के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमारे देश में न केवल पक्षियों की हालत ख़राब है बल्कि एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ही अच्छे कंडीशन में नहीं है। कुछ ही दिनों पहले एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जारी हुई थी। इस पूरे इशू को मैंने इस वीडियो में बिल्कुल हिंदी में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप इसे ज़रूर देखिए। मिलता हूँ मैं आपसे उस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।